सो ट्रेडर्स, डेट है आज 1 फरवरी 2024, टाइम हो रहा है 10:23। आज बजट वाला डे है, तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे ट्रेड को, देखिए एक बार हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग इसको, ओके। तो यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल शुरू किया, देन अच्छी खासी अप्रैली रिट्रेसमेंट, अच्छी खासी अप्रैली काइंड ऑफ इसने यहाँ से 70% के जोन को यहाँ पर ब्रेक करने का ट्राई किया, ओके। तो यहाँ से मार्केट जो अच्छी खासी अप्रैली कर चुका है, एक तो ये रीजन नंबर। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मैंने पिबो लगा करके रखा हुआ है बॉटम से लेकर के आएगा, तो एग्जैक्ट 23.6% आज के दिन सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने, तो काइंड ऑफ यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, ओके। और साथ ही साथ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हो गया, तो अभी हम लोग इंट्राडे के हिसाब से क्या प्लान कर रहे हैं, देखिए सिंपल, मार्केट ने जिस हिसाब से यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है 23% का, और आज है बजट वाला डे, तो मैं यहाँ पर काइंड ऑफ बाइंग साइड का सेटअप जो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर क्यों प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा पिक्चर, ओके। देखिए आज के दिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, अच्छी खासा सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है, देन यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रेकडाउन देकर के सेलर्स को लिया एंड यहाँ पर उनको एवरेज करवाया, और काइंड ऑफ यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के बाद में 23 से यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में आ रहा, ओके। और साथ के साथ अभी इसने रिसेंटली यहाँ पर क्या किया, रिसेंटली काइंड ऑफ यहाँ से ये सेल और अगेन यहाँ से काइंड ऑफ ये वाला ब्रेकडाउन, तो एग्रेसिव जो सेलर्स होंगे उन सब ने यहाँ पर सेल करने का प्लान किया है कि मार्केट जो नीचे आ रहा है तो कंटिन्यू नीचे जाएगा, तो उन सबको यहाँ पर ट्रैप करते हुए मार्केट जो है यहाँ पर अप साइड में जा सकता है ब्रेकआउट देकर, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर सिंपल बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, और एग्जैक्टली मैं यहाँ पर जो लेने वाला हूँ इसी जोन के आसपास लेने वाला हूँ, कि इस ब्रेकआउट के बाद में इस जोन का ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम यहाँ से बाइंग साइड के ले लेंगे, और सिंपल यहाँ इस जोन के आसपास टारगेट प्लान कर देंगे इससे पहले, ओके। ये वाला जोन यहाँ से काइंड ऑफ ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, मैं यहाँ से डेफिनेटली बाइंग साइड के लिए जाने वाला हूँ। तो आते हैं हम लोग अपना यहाँ पर ऐप खोल लेते हैं। सो ट्रेडर्स, अब हम यहाँ पर ट्रेड बनाने वाले हैं, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, जो हम लोगों ने जोन डिसाइड किया था इसके ऊपर, तो 4500 का यहाँ पर हम 6 लॉट जो है यहाँ पर लेने वाले हैं, मार्केट प्राइस पर बाई कर देते हैं, ओके। मिल चुका हम लोगों को 711 के भाव पर, और यहाँ पर 45900 के भी हम लोग जो है यहाँ पर 6 लॉट जो है यहाँ पर डाल देते हैं अपनी क्वांटिटी, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड जो है डाल दी है, दोनों ट्रेडों में हम लोगों को अभी प्रॉफिट चल रहा है। क्या टारगेट एंड क्या स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पर खोल लेते हैं सबसे पहले चार्ट को। सो ट्रेडर्स, ये हमारा यहाँ पर फ्लोटिंग चार्ट ओपन हो चुका है, और देखिए एक अच्छा खासा स्पाइक, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छी खासी स्पाइक हमें देखने को मिलेगी, और जो लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे फिर उनसे यहाँ पर मिस होता रहेगा, ओके। तो उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर बनाया हुआ है करंटली, देखिए अब अपनी कॉस्ट नीचे आ गया, अभी यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट 2800+ का प्रॉफिट चल रहा था, जो कि अब यहाँ पर लॉस हमें नजर आ रहा है 1400-1600 के आसपास का, ठीक है कोई बात नहीं, आज थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, प्रीमियम भी बहुत हैवी मिल रहे हैं हम लोगों को, बहुत हाई, ओके। तो यानी कि इस जोन के आसपास कहीं हम लोगों ने जो है अपनी ट्रेड प्लान किया हुआ है। स्टॉप लॉस क्या रखने वाले हैं, स्टॉप लॉस देखिए हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं ये वाले जोन के आसपास का, ओके, जो कि यहाँ पर 150 के आसपास का लेवल बैठ रहा है एज पर द इंडेक्स, और टारगेट हम रखने वाले हैं इस वाले जोन के आसपास का, जो कि यहाँ पर 45-40-100 के ऊपर मिल रहा है, तो हम बड़ा टारगेट प्लान करेंगे, ओके। तो करंटली हम लोगों को 2700 का प्रॉफिट चल रहा है, 2400, और एज पर द इंडेक्स तो हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट प्लान कर लिया, ये हमारे अल्टीमेट टारगेट और अल्टीमेट यहाँ पर ऐसा लेने वाले हैं, ओके। और एज पर द ऑप्शंस प्रीमियम हम देखते हैं, तो हम लोग जो ग्रैब करते हैं 35-40 पॉइंट, ये हमारा यहाँ पर मिनिमम टारगेट रहने वाला है ऑप्शंस के प्रीमियम के हिसाब से, और आज हम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा टारगेट यहाँ पर प्रॉफिट करने का प्लान करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, ओके, अगर मार्केट हमारे हिसाब से कंटिन्यू मूव करता है तो, ओके। तो ये हमारा ये जो काइंड ऑफ यहाँ से मैं बनाता हूँ आप लोगों को काइंड ऑफ ये इस तरह का कुछ सपोर्टिंग ट्रेड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट अगेन यहाँ से अपसाइड में जा सकता है, तो यहाँ पर सेलर्स को यहाँ पर एंट्री दिलाने के बाद में उनको ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है, और इस जोन के आसपास हम लोगों को उनके SL खाते हुए नजर आ सकता है मार्केट। तो फिलहाल अभी हम वेट करते हैं, थोड़ा हमारी रिस्क भी बड़ी है और टारगेट भी हम यहाँ से थोड़ा बड़ा आज के दिन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपल सेटअप था, सिंपल साइकोलॉजी थी हमारी, बहुत ही सिंपल वे में हमने काम किया, वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं जो अपना टारगेट है वो लगा देता हूँ एक बार यहाँ पर, ओके। तो इसमें हम प्लान करने वाले हैं 731 के आसपास का, हम यहाँ पर टारगेट प्लान करने वाले हैं, और इस वाले प्रीमियम में हम प्लान करेंगे यहाँ पर, ओके, लिमिट 799 के आसपास का हम यहाँ पर जो है अपना प्लान करने वाले हैं, ओके। 799 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें एक्चुअली 799, ठीक है, थोड़ा हम इसको कम करते हैं 799 से मॉडिफाई करके, इसको 790 के आसपास रख लेते हैं, 91 देखते हैं उस हिसाब से वहाँ कैसे प्रीमियम मूव करते हैं, और उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ओके। तो वेट करते हैं, 7200 का प्रॉफिट चल रहा है, 8300 हो चुका है, आराम से हम लोगों ने यहाँ पर अपना टारगेट्स जो है वो लगा दिए हैं, इस वाले स्ट्राइक प्राइस में 45900 में हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है अपना टारगेट 730 के आसपास का, एंड इस वाले में लगाया हम लोगों ने यहाँ पर 791, यानी ऑलमोस्ट अभी जहाँ चल रहा है वहाँ से 40 पॉइंट अबव, ओके। तो ये अभी 40 पॉइंट हम लोगों को मिल चुके हैं, 40 पॉइंट और एक्स्ट्रा हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट प्लान किया है एज पर द ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से, तो वेट करते हैं जैसे होता है आप लोगों को हम अपडेट करता हूँ जैसे टारगेट अचीव होता है।
सो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, कोई न्यूज़ था यहाँ पर, प्रॉफिट बुकिंग थी और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट यहाँ से 10,000 प्लस का था, वो घट करके यहाँ पर माइनस में 10,000 पहुँच चुका था। ओके तो अभी आया अपने टारगेट्स के आसपास जो हम लोगों ने ऑप्शंस के प्रीमियम्स के हिसाब से लगाए थे, 730.65 ये हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों अचीव हो चुके हैं और हम लोगों ने बुक किया यहाँ पर 13,500। अभी भी हमारा इंडेक्स के हिसाब से टारगेट बाकी है तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा टारगेट को बड़ा कर लिया जाए। ओके तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं अगेन यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 3-3 लॉट और ऐड कर लेते हैं दोनों का ही। ओके थोड़ा हम इसको 15,000 के आसपास पहुँचाने का ट्राई करते हैं प्रॉफिट को। ओके 721 पे मिली है, ये मिली है हम लोगों को 773 पर, नीचे आ चुका है मार्केट, ठीक है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे जैसे। सो दोस्तों हम लोगों ने जो 45 क्वांटिटी और लिया था दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में 45 45, तो उसमें भी हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है और हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो 15,300 हो चुका है। ओके तो सिंपल सेटअप पे हमने काम किया था, वहाँ पर क्या था कि एक तो 23% का यहाँ से नीचे से ऊपर आया तो सपोर्ट लिया था, देन उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, छोटे छोटे ब्रेकडाउन ताकि सेलर्स को ट्रैप करते मार्केट ऊपर जा सकता है, एक्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया और हम लोगों का जो जोन था एक्जैक्टली वहाँ से यानी 46,150 का जोन के आसपास, वहीं पर भी देखिए मार्केट वहीं चल रहा है 138 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, तो उसी जोन से रिजेक्शन लिया मार्केट ने और हम लोगों ने यहाँ पर बुक किया एक अच्छा खासा टारगेट। तो आई होप आप लोगों को आज का जो ट्रेडिंग सेटअप था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सेटअप था हम लोगों का एंड बहुत ही ईजी साइकोलॉजी के साथ हम लोगों ने काम किया और आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।